हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या भाई हमें मूवी वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, हम एडसेंस के थ्रू मूवी वेबसाइट्स पे अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में गाइस आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि आप कर सकते हो या नहीं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो यार देखो, इसका जो सीधा सा आंसर है गाइस वो है 101% गाइस, आप एडसेंस का अप्रूवल लेकर के गाइस फिर आप मूवी वेबसाइट्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस तरह से पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे उससे पहले यार मैं कुछ वेबसाइट्स आपको शो करने वाला हूँ जिसपे गाइस मूवी से रिलेटेड कॉन्टेंट आते हैं, प्लस उस पर एडसेंस का भी अप्रूवल है और धारा धारा वो पैसे छाप रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से यार एक ये वेबसाइट है न्यूज़ जानकारी। ठीक है, वैसे तो यार ये बोलने के लिए मतलब कि जानकारी न्यूज़ टाइप वेबसाइट्स है जहाँ पर ये हर एक कैटेगरीज को मतलब कि टारगेट करता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं लेटेस्ट न्यूज हो गया, बॉलीवुड हो गया, जॉब्स हो गया, स्पोर्ट्स, हेल्थ और भी काफी सारी कैटेगरीज को ये टारगेट करता है। ठीक है, तो जिसमें से गाइस ये मूवी से रिलेटेड भी कंटेंट आधा से ज्यादा गाइस इसकी जो वेबसाइट है गाइस वो मूवी वाले कीवर्ड्स पे ही रैंक्ड है। ठीक है, बात करूं अगर मैं इस वेबसाइट की ट्रैफिक की तो मैं आपको दिखा देता हूं यार, देखो अच्छा खासा वाला ट्रैफिक है क्योंकि भाई मूवी वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है यार ट्रैफिक तो होगा ही। तो 400,000 से ऊपर की ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर और यहां पे देखो फ्री गाइड फुल मूवी रिव्यू। ठीक है, तो एज अ रिव्यू इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग वगैरह सारे कीवर्ड्स यूज किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस पे एडसेंस का अप्रूवल है या नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मैंने एड ब्लॉकर लगाया हुआ है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को कॉपी करते और इसे मैं न्यू प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस आपको 101% यहाँ पे एडसेंस के एड्स दिखाई देगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एड्स बाय गूगल। ठीक, तो यहाँ पे गाइस पूरा का पूरा एडसेंस का एड लगा हुआ आपको दिखाई दे देगा। प्लस गाइस ये जो वेबसाइट है गाइस मूवी एंड अदर जितने भी कंटेंट है जिसपे एडसेंस अप्रूवल नहीं देता गाइस स्टार्टिंग में, उन सभी कीवर्ड्स को गाइस ये पर्टिकुलर वेबसाइट टारगेट कर रही है। ठीक है, तो ये तो थी गाइस एक वेबसाइट और ऐसे इंटरनेट पे यार काफ़ी सारी वेबसाइट्स है और मैं आपको एक पॉपुलर वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, हिंदी में .net आई थिंक आप लोग इसे जानते हो। तो यहाँ पे गाइस आपको होम पेज पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि भाई ये पर्टिकुलर वेबसाइट मूवी कॉन्टेंट पर भी काम करती होगी या नहीं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एंड हाउ टू टाइप कॉन्टेंट यहाँ पे दिखाई देगा आपको होम पेज पे। जैसे यार आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि भाई ये तो भाई मूवी वाली वेबसाइट पर काम ही नहीं करती होगी, तो प्रोफेशनल वेबसाइट्स है और इस पर्टिकुलर बंदे का यार मतलब कि यूट्यूब चैनल भी है यूट्यूब पे। ठीक है, जहां पे ये लोगों को मतलब कि ज्ञान बांटता है कि भाई इस तरह का मतलब कि आपको आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए, मूवी टाइप कंटेंट आपको अपने वेबसाइट्स पे नहीं डालना चाहिए, कभी भी आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है फला फला। ठीक है, तो यार देखो ऐसा मुझे भी किसी यूट्यूबर से कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ यार कि ये सच क्यों नहीं बोलते। ठीक है, जबकि ऐसा ये खुद करते हैं फिर लोगों को क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं सिखाते। तो सिंपली ठीक है, तो ये वेबसाइट गैस आपको आगे से तो कुछ भी नहीं लगेगा, तो अब मैं इसकी आपको रियलिटी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गैस इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैंने AHRF टूल में यार एनालाइज़ किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हिंदी में .net। ठीक है, और यहाँ पे इसका पूरा डाटा है। तो अभी हम इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को देख लेते हैं कि ये किस किस कीवर्ड्स पे ये पर्टिकुलर वेबसाइट रैंक कर रही है। तो यहाँ पे गैस मैंने इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को यहाँ पे निकाल रखा है हिंदी में .net जैसे कि आप देख पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार आपको आधा से ज़्यादा जो कीवर्ड्स दिखाई देगा गैस वो मूवी वेबसाइट से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जो पहला कीवर्ड है गैस देखो तमिल रॉकर्स न्यू लिंक्स 2019। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखो गाइस 300 MB हिंदी डब्ड मूवी वर्ल्ड फ्री फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल्स 18+। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ल्ड फ्री फॉर यू हॉलीवुड मूवीज इन हिंदी। ठीक है, देखो वर्ल्ड फॉर मतलब कि फ्री फॉर यू हॉलीवुड मूवीज इन हिंदी हो गया। काफ़ी सारे कीवर्ड्स गाइस यहाँ पे आपको आधे से ज़्यादा जो कीवर्ड्स है गाइस वो मूवी वेबसाइट से ही रिलेटेड दिखेगा और इसके पीछे का मतलब कि सीक्रेट साइंस क्या है वो अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार जो मूवी टाइप जो कीवर्ड्स होता है ना यार वो इंटरनेट पे बहुत ही जल्दी रैंक करता है क्योंकि यार जो इसका सर्च वॉल्यूम है यार वो बहुत ही ज़्यादा है। और बात रही हाउ टू टाइप कंटेंट की ना, तो ये सब जो कंटेंट थे गाइस ये पहले चलते थे 2011-12 में और इन पे यार मतलब कि टॉप नॉच ट्रैफिक था उस समय, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक बहुत ही कम। ठीक है, तो इस तरह की कीवर्ड्स पे यार जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उन्हें भी पता है, आइडिया है कि भाई समझदारी इसी में है कि हमें जिस पे ट्रैफिक है उस पे काम करना चाहिए, ना कि भाई जिसमें वॉल्यूम नहीं है। हालांकि यार यहाँ पे आपको CPC ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो आपको CPC कहाँ से मिलेगा यार। ठीक है, भला और
और वहीं बात करें अगर मूवी कीवर्ड्स पे, तो वहाँ पे आपको सीपीसी कम मिलता है लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि कवर अप आपका कर देता है, ठीक है। तो यही एक कारण होता है जिस वजह से जो बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स है गाइस वो मूवी वाले कीवर्ड्स को टारगेट करती है। यहाँ तक कि गाइस जो न्यूज़ वाली भी वेबसाइट्स है ना वो भी यार डेफिनेटली मतलब कि मूवीज़ वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उसी पर वो भी काम करती है, ठीक है। जो भी आप अगर आप कुछ मूवीज सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ वाली वेबसाइट्स दिखाई दे देगी, ठीक। तो वो वेबसाइट जनरली करती ये गाइस कि सभी टाइप की मूवी से रिलेटेड कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट्स पे यूज़ करती है, बस वो मूवी का जो डाउनलोडिंग लिंक है वो प्रोवाइड नहीं करती, और यही एक मतलब कि लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स मैंने अभी आपको दिखाए गाइस ये इस तरह के कीवर्ड्स पे काम तो करती है, लेकिन यहाँ पे गाइस किसी में भी आपको डाउनलोडिंग लिंक नहीं दिखाई देगा, जो कि एक सीक्रेट है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.79 GB, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसमें आपको लग रहा होगा भाई ये लिंक है, लेकिन ये लिंक नहीं है, ठीक है, इस पर आप क्लिक ही नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे नीचे भी जाओ तो यहाँ पे कहीं भी आपको डाउनलोडिंग लिंक नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। तो यही एक सीक्रेट वे है मतलब कि काम करने का इस तरह की वेबसाइट्स पे। तो अगर आपको भी यार मतलब कि एडसेंस का अप्रूवल मिला है ना, तो यार डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, इस तरह की कंटेंट को डालना स्टार्ट कर दो, बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जैसे इस तरह की वेबसाइट्स काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है ना, बस उस मूवी के बारे में डिटेल्स डालना है, ना कि उसका डाउनलोडिंग लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, बाकी आपने कीवर्ड्स का यूज़ करना है। देखो इंटरनेट पर जो ब्लॉगिंग है ना गाइस वो पूरा का पूरा डिपेंड है कीवर्ड्स पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक नहीं भी देते हो ना, फिर भी यार लोग आपकी वेबसाइट्स पे आएंगे, क्योंकि यार जो भी जैसे किसी को भी मूवी डाउनलोड करना होता है ना, तो वो यार मतलब कि पूरा दिन उस मूवी को ढूंढने में इंटरनेट पे अपना वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो यार उसमें से कहीं ना कहीं गाइस वो बंदा आपकी वेबसाइट पर भी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसकी आपको मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार इस तरह के जो कीवर्ड्स पे जो वॉल्यूम है यार ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, आप वो सोच भी नहीं सकते। तो आपको जो काम करना है गाइस वो इस तरह से करना है, और जो जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए उसके बाद आप इस काम को स्टार्ट करिएगा। अगर देखो अगर आपको एडसेंस का आपके पास अप्रूवल नहीं है यार, ठीक है, और आप इस तरह के कंटेंट डाल रहे हो उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे, तो यार एडसेंस आपको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, हाउ टू टाइप मतलब कि अच्छे से कंटेंट डालना है, यूनिक कंटेंट, हाउ टू टाइप वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स को आपने डालना है, फिर एडसेंस का अप्रूवल ले करके उसके बाद गाइस आपने इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। और इन कीवर्ड्स से यार डेफिनेटली जो आपकी वेबसाइट का ग्रोथ है यार वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा डरने की बात नहीं कि इस तरह के कीवर्ड्स पे हम काम करेंगे तो हमारा एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, वो हो जाएगा फलाना डिमका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही सारी वेबसाइट्स काम करी और मैंने बड़ी सारी वेबसाइट्स को देखा है, हालांकि मैं खुद काम करता हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं अपनी कुछ वेबसाइट्स आपके साथ रिवील करूँगा, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा यार डिटेल में कि किस तरह से ये सब चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई एडसेंस के साथ भी हम भाई मूवी वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, और मूवी वाली वेबसाइट्स पे हम एडसेंस के साथ काम कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई काफ़ी सारी वेबसाइट्स काम कर रही है और धड़ाधड़ पैसे छाप रही है, तो भाई आप रुको मत भाई, ठीक है। देखो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो, डरना बंद करो। तो आज के इस वीडियो में नहीं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।